नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर चैनल में। मैं हूं अशोक मीना और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 जो कि इवोल्यूशन चैप्टर है। उस पर ऑलरेडी 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, ये 5वां वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको और कहना चाहूँगा कि जितने भी सोशल मीडियाज हैं दोस्तों, जैसे कि फेसबुक पेज हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर उनसे भी जुड़ जाएं, क्योंकि कोई भी नया कोर्स होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं तो पहले मैं वहाँ पर उसको अपडेट करता हूँ, उसके बाद वो यूट्यूब पर आता है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए आप सारे जो सोशल मीडियाज लिंक्स में दिए हुए हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स वगैरह, वहाँ पर बायोलॉजी बूस्टर को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन पे। 4 वीडियो अपलोड हो गए, ये 5वां वीडियो है। और पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने उसमें देखी थी। ठीक है, इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस को, मतलब बायोजियोग्राफिकल अलग अलग हम एविडेंसेस देख रहे हैं। पहले हमने बायोकेमिकल एविडेंस देखा, अब हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंस देख रहे हैं कि बायोजियोग्राफी, ज्योग्राफी के हिसाब से, जो ज्योग्राफी मतलब अर्थ, मतलब एक एरिया, इससे रिलेटेड हम बातें करेंगे अब। ठीक है, तो बायोजियोग्राफी के हिसाब से कैसे लिविंग जो है उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस क्या हैं, स्पीशीज रिट्रीटेड टू अ रीजन डेवलप्ड यूनिक फीचर्स। ठीक है, देखो इसके आधार पे इस सेंटेंस का क्या मतलब है, स्पीशीज रिट्रीटेड टू अ रीजन डेवलप्ड यूनिक फीचर। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें अलग अलग क्या है, स्पीशीज हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया हो गया, तो इसमें मान लो ये एक स्पीशीज है। ठीक है, एक दूसरी स्पीशीज जो है ये है। ठीक है, और तीसरी स्पीशीज जो है यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इस एरिया में ये अलग अलग क्या हो गए दोस्तों, स्पीशीज हो गई। अरे हो ही नहीं, हो गई, ये अलग अलग क्या है, स्पीशीज हैं इस एरिया में। ठीक है, तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि स्पीशीज रिट्रीटेड टू अ रीजन डेवलप्ड यूनिक फीचर्स, मतलब स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में है उनमें एक यूनिक फीचर होता है। ठीक है, ऑल्सो स्पीशीज प्रेजेंट इन वाइडली सेपरेटेड रीजन शो सिमिलरिटी ऑफ एंसेस्ट्री। मतलब देखो ये तो ठीक है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कुछ स्पीशीज रहती है तो उनका एक ही टाइप का फीचर होगा। ऑस्ट्रेलिया में कोई स्पीशीज रहती है तो उनका एक ही टाइप का फीचर होगा। मान लो कोई थार डेजर्ट में कोई स्पीशीज रहती हैं तो उनके एक ही टाइप के फीचर्स होंगे, मतलब सन से कैसे बचना है, कैसे लंबे टाइम तक कम पानी पी के काम चलाना है, ये सारे इस तरीके के कॉमन फीचर्स होंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि स्पीशीज जो है, मतलब ये स्पीशीज यहाँ है, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज हैं, आप चूंकि एक कॉमन एरिया में नहीं है, ठीक है, ये स्पीशीज इस तरीके से अलग अलग जगह, इसको ध्यान से समझ लेना आप। ठीक है, ठीक है, अब दोस्तों ये जो स्पीशीज हैं ये तो एक ही जगह थी सारी, स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में तो इनके फीचर्स कॉमन थे, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि स्पीशीज जो है अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब एक जगह नहीं है, लेकिन फिर भी उनके फीचर्स काफी हद तक सिमिलर हैं। ये चीज ये शो करती है कि इनके एंसेस्टर कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे। ठीक है, क्लियर ही बात, तो यही बात है, यही इन दोनों सेंटेंस का मतलब है। पहला सेंटेंस क्या कहता है, स्पीशीज रिट्रीटेड टू अ रीजन डेवलप्ड यूनिक फीचर्स, उनमें कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं स्पीशीज कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरा, ऑल्सो स्पीशीज प्रेजेंट इन वाइडली सेपरेटेड रीजन शो सिमिलरिटी ऑफ एंसेस्ट्री, मतलब जो अलग अलग जगह पर रह रही है स्पीशीज उनमें भी कॉमन फीचर हो सकते हैं, और ये बात शो करती है कि उनके एंसेस्टर जो है, उनके पूर्वज जो है, कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन डार्विन फिंचेस इनको समझते हैं। सबसे पहले एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, ठीक है, देखो एडेप्टिव रेडिएशन इज द रिलेटिवली फास्ट इवोल्यूशन ऑफ मैनी स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। एडेप्टिव रेडिएशन, रेडिएशन मतलब क्या होता है, अलग अलग जो तरंगे होते हैं वो, अब तरंगे कैसे फ्लो करती हैं, बहुत तेज फ्लो करती हैं, तो वहीं से आप थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन मतलब बहुत फास्ट हो रहा है ये एडेप्टेशन। ठीक है, रेडिएशन की तरह बहुत फास्ट हुआ ये एडेप्टेशन, तो ये क्या है, एडेप्टेशन रेडिएशन इज द रिलेटिवली फास्ट इवोल्यूशन ऑफ मैनी स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर था, मान लो ये कॉमन एंसेस्टर था और इससे बहुत फास्ट तरीके से स्पीशीज जो है डेवलप हुई हैं। ठीक है, इससे बहुत फास्ट तरीके से, इस तरीके से ये स्पीशीज जो हैं डेवलप हो गई हैं। ठीक है, क्लियर ही बात, समझ पा रहे हैं आप, ये मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है,
तो ये एक कॉमन एंसेस्टर था, ये एक एंसेस्टर कैसा था अपना, कॉमन था, ठीक है। और इससे बहुत तेजी से, बहुत फास्ट तरीके से अलग अलग स्पीशीज जो है डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये होता है एडेप्टिव रेडिएशन। इसके बाद एडेप्टिव रेडिएशन जनरली अकर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एंटर अ न्यू एरिया एंड डिफरेंट ट्रेट्स अफेक्ट्स इट्स सर्वाइवल। एडेप्टेशन रेडिएशन क्या होता है, ये हम समझ पाए कि बहुत तेजी से डेवलप होना किसी स्पीशीज का नए एरिया में, ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर से। दूसरी बात, एडेप्टिव रेडिएशन होता कब है, एडेप्टिव रेडिएशन तब होता है जब एडेप्टिव रेडिएशन जनरली अकर व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एंटर न्यू एरिया। ऑर्गेनिज्म नए एरिया में आए, मान लो ये इंडिया में था अभी और ये चले गए स्विट्जरलैंड में, अब ये नया एरिया हो गया इस ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। इस टाइप से जब ये एरिया चेंज करता है ऑर्गेनिज्म, तो उसको नए चीजें फेस करनी पड़ती है, डिफरेंट ट्रेट्स अफेक्टेड सर्वाइवल। तो वहां पे सर्वाइव करने के लिए, अब इंडिया में था तो अलग कंडीशन थी, ऑस्ट्रेलिया में चले गया तो, स्विट्जरलैंड चले गया तो एक अलग कंडीशन है। अब स्विट्जरलैंड में सर्वाइव करने के लिए उसको वहीं की कंडीशन के हिसाब से बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है एडेप्टिव रेडिएशन, इसी के वजह से एडेप्टिव रेडिएशन होता है, ये रीजन है एडेप्टिव रेडिएशन का, ठीक है, क्लियर ये बात। अच्छा, इसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इज द डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये है कि मैमल्स का डेवलपमेंट, हम हाथी घोड़ा जो भी हैं सब ये मैमल्स हैं, इनका डेवलपमेंट कब हुआ, जब एक्सटिंक्ट हुए डायनासोर्स, ठीक है। डायनासोर जब एक्सटिंक्ट हो गए, देखो डायनासोर्स क्या थे, एक्चुअल में लिजर्ड जो है, रेप्टाइल जो है और उड़ने वाली जो चीज है, उनका कॉम्बिनेशन था एक तरीके से डायनासोर्स, ठीक है। मतलब कुछ इसमें रेप्टाइल्स टाइप के थे, कुछ इसमें उड़ने वाले डायनासोर भी होते थे। अब ये एक एरा जब हट गया, तो नया एरा कौन सा आया, मैमल्स का, ठीक है। तो ये इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन की, कंडीशन बदली तो एक ऑर्गेनिज्म भी नया बन गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके पूर्वज अलग थे, पूर्वज एक ही थे, मतलब डायनासोर हम ये सबके पूर्वज कहीं ना कहीं एक ही रहे होंगे कॉमन, इस चीज को आप समझें, ठीक है, क्लियर ये बात। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन मैंने आपको बताया। अब हम समझते हैं डार्विन फिंचेस। देखो डार्विन फिंचेस क्या होता है, फिंचेस बर्ड्स की एक स्पीशी, एक पर्टिकुलर टाइप के बर्ड्स का नाम है, ठीक है। डार्विन क्या है, डार्विन साइंटिस्ट है, बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं और आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, तो बायोलॉजी के जो सबसे बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से डार्विन हुए, जैसे आपके ग्रिगोर जॉन मेंडल हुए, ठीक है, लैमार्क हुए, ये काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं इस फील्ड के, ठीक है। तो डार्विन फिंचेस क्या है, बहुत पॉपुलर चीज़ उन्होंने बताई, क्या किया, देखो डार्विन ऑब्जर्व मैनी वेराइटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। देखो डार्विन के पास क्या था, जैसे हमारे पास बाइक होती है ना, किसी के पास पल्सर होता है, किसी के पास स्कूटी होती है, किसी के पास बुलेट होती है, अलग अलग टाइप की बाइक्स आती हैं आजकल, अलग अलग टाइप के कार्स आते हैं, तो जैसे हमारे पास ये चीजें होती हैं अलग अलग, वैसे ही डार्विन के पास भी एक ट्रैवल करने के लिए क्या था, जहाज था, ठीक है। जहाज तो नहीं कहेंगे, छोटा सा बोट टाइप से कह लें आप, छोटा सा, छोटा जहाज, जहाज नहीं कह सकते, खैर छोटा आप कह सकते हैं बोट, ठीक है। उसका नाम था एच एम एस बीगल, ठीक है। ये इसका क्या था, इस तरीके से एक नाव थी, ये मान लीजिए नाव है, ठीक है। ये डार्विन है, मान लो ये डार्विन बना दिया मैंने, और ये इनकी नाव है, इस नाव का क्या नाम है, एचएमएस बीगल, ठीक है। और ये इस तरीके से क्या है, ये पानी है नीचे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फ्री थे तो इन्होंने सोचा थोड़ा सा घूम लेते हैं, तो ये अपनी नाव को लेकर, जिसका नाम था एचएमएस बीगल, वॉयेज पे निकल गए, मतलब समुद्री यात्रा पे निकल गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व मैनी वेराइटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। तो पर्टिकुलर एक आइलैंड पे पहुंचे, गिगापागोस आइलैंड, ठीक है। वहां पे जब ये पहुंचे तो इन्होंने बहुत सारी वैरायटी देखी, ठीक है, गिगापागोस आइलैंड एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। इस आइलैंड पे जब ये पहुंचे तो इन्होंने कई कई सारी वैरायटी देखी फिंचेस की, मतलब इन बर्ड्स की, क्या वैरायटी देखी, ऑल वैरायटी हैड इवॉल्व फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस, ठीक है। फिंचेस बर्ड्स हैं, देखो इसको मैं समझाता हूं, जैसे इसको मैं रब कर देता हूं, रुको एक मिनट, देखो देखो इन्होंने क्या देखा, ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, और कौन सा बर्ड था, सीड ईटिंग बर्ड, ये मान लीजिए एक बर्ड है, इसका चोंच ऐसा है कुछ, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा बर्ड है, सीड ईटिंग, ठीक है। तो ये अलग अलग वैरायटीज से डेवलप हुई बर्ड्स की, ठीक है, इससे अलग अलग वैरायटी डेवलप हुई,
ठीक है, ये मान लीजिए एक दूसरी बर्ड है, ठीक है, ये एक तीसरी बर्ड में बना देता हूँ, और ये एक चौथी बर्ड में बना देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी बर्ड्स ही, यहाँ पे भी एक बर्ड बना देते हैं अपन, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो सीड ईटिंग बर्ड्स थे ना, ऐसे पक्षी जो क्या खाते थे, सीड खाते थे, ठीक है, तो इनसे डेवलप हुई ये अलग अलग वैरायटी। ये जो अलग अलग वैरायटी आप देख रहे हैं, ये किससे डेवलप हुई, ये सीड ईटिंग जो बर्ड था ना, उससे डेवलप हुई, ठीक है। क्या है ये वैरायटी, विद अल्टरेशन इन बीक्स सम बिकम इंसेक्टिवोरस एंड सम वेजिटेरियन, ठीक है। देखो, ये एक जगह रहती थी जहां पे सीड बहुत थी, तो सीड खाते थे, अपना काम चलाते थे। अब यहां से कुछ बर्ड्स चले गई ऐसी जगह जहां पे क्या था, सीड नहीं थी, कोई दूसरी चीजें थी, फ्रूट्स वगैरह, या कुछ फ्रूट्स वगैरह नहीं, कुछ ऐसे पेड़ पौधों के जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनको खाना इन्हें पड़ा, ठीक है। तो इनकी जो चोंच है वो ऐसे हुई, ठीक है। अब कुछ ऐसी जगह चले गई जहां पे जो है फ्रूट्स वगैरह खाना पड़ा, ठीक है, तो उनकी चोंच धीरे धीरे एडेप्टेशन हुआ, और उनकी चोंच कैसे हुई इस तरीके से, ताकि फ्रूट वो आसानी से खा पाए, इस तरीके से थोड़े से एंगल इस तरीके से आ गया उनकी जो चोंच थी उसमें, ताकि फ्रूट्स को इजीली वो कंज्यूम कर पाए। कुछ जो है ऐसी जगह चले गई इनमें से कुछ बर्ड्स जहां पे कीड़े मकौड़े ज्यादा थे, तो ये इनकी जीभ कैसे होगी, ऐसे लंबी होगी, ताकि कीड़ों को आसानी से पिक कर पाए और उसे खा पाए, ठीक है। कुछ जो है अलग जगह चले गई, मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, ठीक है, प्लांट्स या दूसरे जो पार्ट्स होते हैं, दूसरी जो चीजें होते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, तो इनकी जीभ, इनकी जो चोंच है उसमें ऐसी कोई वैरायटी की जरूरत नहीं थी, तो इनकी जो बीक है, चोंच जो है वो कम है, कम डेवलप हुई, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ, ये कंडीशन के हिसाब से चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि इनका एंसेस्टर एक ही था, सीड ईटिंग था, ठीक है। तो यही चीज इन्होंने, डार्विन ने सबसे पहले ऑब्जर्व की कि एक ही जो सीड ईटिंग बर्ड था उससे अलग अलग टाइप के बर्ड्स डेवलप हुए, और वो सब उनके बीक्स में परिवर्तन दिखा इनको, उनकी चोंच में अलग अलग वैरायटी दिखी जगह के हिसाब से, ठीक है। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया किससे, डार्विन ने, डार्विन फिंचेस वाला जो कंसेप्ट है वो यही है, याद रखना आप, ठीक है। इसके बाद मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया हम समझते हैं, मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मार्सुपियल्स क्या होते हैं, जिनके पास ऐसे पाउच टाइप स्ट्रक्चर हो, जैसे कंगारू होता है ना पाउच, जिनके पास ऐसे थैली टाइप का स्ट्रक्चर हो जिसमें अपने बच्चों को या कुछ भी चीज रख सकते हैं, ठीक है। तो मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है, विद इन द ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट मैनी डिफरेंट मार्सुपियल्स और पाउच एनिमल्स आर सीन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बहुत बड़ा आइलैंड है, और बहुत सारे मार्सुपियल्स और पाउच एनिमल्स वहां पे दिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये सभी के सब डेवलप किसी एक कॉमन एंसेस्टर से ही हुए थे, ठीक है। तो ये सब एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल है, ठीक है। दीज हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर स्टॉक, ये सारे के सारे कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए थे। पाउच्ड एनिमल्स बहुत सारे हो सकते हैं, कंगारू ही नहीं होता, कंगारू एक पाउच्ड एनिमल है। इसके अलावा जो कई सारे दूसरे भी जैसे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, जैसे आपके जो कैट हो गई, डॉग हुई, इस टाइप के भी वहां एनिमल्स होते हैं ऐसे, जो सबके सब डेवलप हुए थे किससे, किसी मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन से ही, ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, प्लेसेंटल एनिमल क्या होते हैं, प्लेसेंटा, जिसमें प्लेसेंटा पाया, जैसे हम में प्लेसेंटा होता है तो हम प्लेसेंटल एनिमल है। तो प्लेसेंटल एनिमल जो है वो, उनकी क्या कहानी है, अ वैरायटी ऑफ प्लेसेंटल एनिमल हैव इवॉल्व फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन विद इन रेस्पेक्ट टू देयर नीड्स, ठीक है। देखो, प्लेसेंटल एनिमल्स बहुत सारे जो हैं वो डेवलप हुए किससे, मार्सुपियल एनिमल्स से। कमाल की बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स कहां से डेवलप हुए हैं दोस्तों, ये मार्सुपियल से डेवलप हुए हैं सारे के सारे। तो मार्सुपियल से डेवलप होके बने आपके प्लेसेंटल एनिमल, जिन एनिमल्स में प्लेसेंटा पाया जाता है वो, जैसे एक माउस है, एक माउस, एक तो मार्सुपियल माउस भी हो सकता है, पाउच वाला माउस, ठीक है। एक माउस इसी से डेवलप होकर कौन सा बन गया, प्लेसेंटल माउस ही बन गया, ठीक है। टेस्मेनियन वुल्फ हो गया, या टेस्मेनियन टाइगर कैट, अलग अलग एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। उसको स्ट्रक्चर को या उस चीज को, उस फिगर को बनाना मैंने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो याद करने वाली चीज है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी मतलब कंसेप्चुअल नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप उस फिगर को भी देख लीजिएगा कि क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम्पल जैसे एक स्पेसिफिक तो नहीं पूछता है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, पूरा साल है, तो हम तैयारी पूरे अच्छे से ही करेंगे, इसलिए आप उन एग्जाम्पल्स को भी याद कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है बात। ज्यादातर क्या पूछा जाता है इसमें, ज्यादातर पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन जो
प्लेसेंटल एनिमल है, उनका कैसे कनेक्शन है मार्सुपियल एनिमल्स जो ऑस्ट्रेलिया के थे उनसे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, बायोलॉजिकल एविडेंसेस और उसमें एडेप्टिव रेडिएशन हमने पढ़ा, और उसके जो मतलब इस चीज को कैसे प्रमाणित किया गया डार्विन फिंचेस और मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया या प्लेसेंटल एनिमल्स के द्वारा, ठीक है। इस चीज को एडेप्टिव रेडिएशन वाला जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, एक होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है, क्लियर ये बात। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं आगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल और फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। देखो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन जो हम पढ़ेंगे उसमें जो भी थ्योरीज जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करती हैं वो कौन कौन सी हैं, लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सेकंड डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, और थर्ड है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब जो डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मतलब डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म और केमिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इन तीन थ्योरीज के बाद हम आएंगे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में अगर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल मत छोड़ना आप, एडेप्टिव रेडिएशन और इसके अलावा होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर की, एक हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, एक एडेप्टिव रेडिएशन, और तीसरा होमोलोगस ऑर्गन एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो चीज है जो कंसेप्ट है वो, ठीक है, क्लियर है बात। बाकी पढ़ेंगे हम पूरा ही, ठीक है। तो ये तीन चीजें अब हम पढ़ने वाले, सबसे पहले शुरू करेंगे हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन से। चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, कि लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू लेमार्क इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अकर्ड ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क के हिसाब से इवोल्यूशन जो हुआ लाइफ फॉर्म्स का, लिविंग बीइंग का या लाइफ के लिविंग के कोई भी जो ऑर्गन्स हैं उनका जो इवोल्यूशन हुआ वो हुआ मिसयूज या यूज के कारण, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब ये क्या कह रहे हैं, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया, जिराफ का। जिराफ इनिशियली did not have a long neck, but to access leaf on tall tree they had to adopt by elongating their necks, ठीक है। By passing this acquired character to succeeding generation they acquired long necks। देखो इन्होंने क्या कहा कि लिविंग जो है ना, लिविंग इवॉल्व कैसे होता है, लिविंग इवॉल्व होता है ऑर्गन के या लाइफ फॉर्म के यूज या मिसयूज के आधार पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी चीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, उस ऑर्गन को हम बहुत ज्यादा यूज कर, सपोज ये दो हाथ हैं आपके, ठीक है, इस हाथ से हमारा, आपने ऑब्जर्व किया होगा खुद भी कि आपका राइट हैंड, अगर आप राइट हैंड यूज करते हैं, लेफ्टी नहीं है मतलब, तो राइट हैंड आपका ज्यादा स्ट्रांग है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड से, क्यों, क्योंकि हमने इसका ज्यादा यूज किया तो कैसा हो गया, स्ट्रांग होता चला गया, ठीक है। कोई एक ऑर्गन जिसका हमने यूज नहीं किया, जैसे हमें अपेंडिक्स होता था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड में, वो अब नहीं है या वो है लेकिन उसका यूज नहीं है, ठीक है। पहले वो थोड़ा सा लार्ज होता था, उसका यूज होता था, अब उसका यूज नहीं है, तो कैसा हो गया, स्मॉल हो गया, ठीक है। तो इनका जो पूरा कंसेप्ट है वो किस चीज पे बेस्ड है, इवोल्यूशन का, कि कोई भी लाइफ है या लाइफ के जो फॉर्म्स हैं वो डिपेंड करता है यूज या मिसयूज पे, किसके यूज या मिसयूज पे, लाइफ फॉर्म के मिसयूज या यूज पे, ठीक है। एक परफेक्ट एग्जांपल इन्होंने दिया जिराफ का। देखो दोस्तों क्या था, जिराफ जो थे, जिराफ जो होते हैं ये पत्तियां खाते हैं, पेड़ की जो नई पत्तियां आती हैं, फ्रेश जो पत्तियां आती हैं उनको ही खाते हैं, ठीक है। तो पहले पेड़ भी छोटे थे, जिराफ भी छोटे थे, तो आराम से पेड़ की पत्तियां खा लेते थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ तो पेड़ लंबे हो गए, अब पेड़ लंबे हो गए, जिराफ छोटे रह गए थे तो भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इन्होंने प्रयास जारी रखा, ये अपने गर्दन को ऐसे ऐसे करते रहे, ये इलोंगेट करने की कोशिश करते रहे, ठीक है। तो धीरे 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 कई सालों में इनकी गर्दन कैसी होगी, लंबी होगी। अब जिराफ जो है पेड़ लंबे हैं तो जिराफ भी कैसे हैं, लंबे हैं, तो आराम से पेड़ की ऊपर की पत्तियों को खा पाते हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने प्रयास रखा, ठीक है, इन्होंने उस चीज का यूज जारी रखा, किसका, गर्दन का, यानी कि नेक का। तो इनकी नेक कैसी हुई, इलोंगेट हुई, ये एग्जांपल इन्होंने दिया। सीधी सी बात है, देखो आज से 500 साल पहले जो इंसान थे वो फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग थे, राजा महाराजाओं की अगर आप बात करें तो आप म्यूजियम वगैरह में जाते होंगे, आप देखते होंगे महाराणा प्रताप इतने भारी भारी तलवारें और ये चीजें उठा के लड़ते थे, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो कवच था उसका वेट ही लगभग 130-140 किलो के आसपास था, ठीक है, जो पूरी ड्रेस वो पहन के फाइटिंग करते थे, लड़ाई करते थे, वॉर में हिस्सा लेते थे,
वो उतना भारी था। आज हम उतना भारी अगर पहन लें तो हम लड़ना तो दूर की बात, हमसे उठा ना जाए, ठीक है। तो मतलब वो बहुत पावरफुल होते थे उस टाइम के लोग। क्यों पावरफुल होते थे? क्योंकि तब वही रिक्वायरमेंट थी, तब लड़ाई वगैरह ऐसे ज़्यादा करना पड़ता था, तो वो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग थे, 6 फुट के ऐसे वो लंबे चौड़े हुआ करते थे। आज के टाइम के जो ह्यूमन है वो वैसे नहीं है, क्योंकि फिजिकली उतना लड़ाई वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आजकल, ठीक है। तो आज के जो इंसान है कैसे, फिजिकली तो वीक हैं, उतने स्ट्रांग नहीं है, और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि मेंटली ज़्यादा आजकल यूज होता है, ठीक है। तो जैसी कंडीशन होगी वैसे ही हम चेंज हो जाते हैं, हम चेंज हो पाते हैं, इसीलिए हम सर्वाइव भी कर रहे हैं। इस चीज़ को आप अच्छे समझ लें, बिजनेस का भी रोल है, लाइफ का भी रोल है। और इन्होंने भी बताया कि जो बदलता रहेगा वो बना रहेगा, जो बदलेगा नहीं वो विलुप्त हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल इसका नोकिया, नोकिया ने खुद को चेंज नहीं किया तो सैमसंग ने और दूसरी जो फोन की कंपनीज हैं उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ में भी हमें खुद को चेंज करते रहना है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है। इंटरनल हमारे जो सिद्धांत है उनको नहीं बदलना, लेकिन बाहर हमारे जो एक्सटर्नल चीजें हैं उनको हमें चेंज करता रहना पड़ेगा कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तभी हम सर्वाइव करते रहेंगे। क्योंकि जो ऐसा कर पाता है वो सर्वाइव कर जाएगा, जो ऐसा नहीं कर पाता वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। इन्होंने जिराफ के एग्जांपल से लेमार्क ने इस चीज को बताया, बट कमाल की बात यह है कि दिस थ्योरी नो मोर एक्सेप्टेड। ये थ्योरी जो है कई जगहों पर फेल हो जाती है दोस्तों, ठीक है। ये थ्योरी कुछ एनिमल्स या कुछ किस्सों में ये फेल हो जाती है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया पूरी तरीके से, ठीक है। इन्होंने ये बात बताई, अगर कोई आपसे पूछे कि लेमार्क ने क्या बताया था तो यही सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये थ्योरी पूरी तरीके से एक्सेप्टेड नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। क्लियर ही बात, कई जगहों पर ये जो इनकी थ्योरी ये फेल हो जाती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं डार्विन, ठीक है। डार्विन थ्योरी, अच्छा लेमार्क के बारे में एक और बात याद रखना, लेमार्क के वो इंसान थे जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। बायोलॉजी के फादर हैं एरिस्टोटल, अरस्तु, लेकिन बायोलॉजी शब्द को कॉइन किसने किया है, एक लेमार्क और ट्रीविनेरस, ठीक है। लेमार्क एक साइंटिस्ट है, एक ट्रीविनेरस एक साइंटिस्ट है। ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने मिलके बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले बताया कि बायोलॉजी वर्ड है ये, ठीक है। और इसके फादर बायोलॉजी के एरिस्टोटल हैं, क्लियर ही बात। अच्छा, इसके बाद डार्विन आते हैं। डार्विन क्या बताते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इन्होंने क्या बताया, चार्ल्स डार्विन ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ए सी वॉयज, ये एक यात्रा पे निकले, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इन द शिप HMS Beagle। HMS Beagle इनके पास एक छोटा सा जहाज था, उसको लेके ये समुद्री यात्रा पे निकल गए, पूरी दुनिया घूमे ये, ठीक है। तो कंक्लूडेड द फॉलोइंग, इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व किया वही बता रहे हैं। वेरिंग डिग्री ऑफ सिमिलरिटीज कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स एंड दोज दैट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर अगो, ठीक है। मतलब जो मिलियन ईयर अगो थे पहले, उनमें देखो क्या है इस सेंटेंस का मतलब समझिए, वेरिंग डिग्री ऑफ सिमिलरिटीज कैन बी ऑब्जर्व बिटवीन एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स एंड दोज दैट एग्जिस्टेड मिलियन ईयर अगो। इन्होंने क्या पाया है कि जो ऑर्गेनिज्म अभी हैं और जो ऑर्गेनिज्म करोड़ों सालों पहले थे, इनमें भी काफी हद तक सिमिलरिटीज हैं। मतलब कुछ बर्ड्स अगर बहुत पहले थे, करोड़ों साल पहले, और कुछ बर्ड्स अभी हैं, तो इनमें भी काफी हद तक सिमिलरिटी इन्होंने देखी। इन्होंने सिमिलरिटी मतलब उनको तो हम नहीं देख पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो करोड़ों साल पहले थे, लेकिन उनको हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर उनमें और आज के ऑर्गेनिजम्स में भी काफी हद तक इन्होंने सिमिलरिटीज देखी, ठीक है। उसके बाद एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स विद एडेप्ट which adapted better to environment. Any population has built-in characteristics which adapt in better to environment. देखो, हमारे जो कान हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये जो एक्सटर्नल पिना इन्हें कहते हैं, कई लोग आप में से सोच सकते हैं सर सुनने में काम में आते हैं, सुनने में ये काम नहीं आते, अंदर जो मशीनरी है वो सुनने में काम में आती है। इसका यूज़ एलिफेंट में, डॉग में थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि वो लोग साउंड वेव्स को ट्रैप करने में थोड़ा काम आता है, हम में इसका कोई ऐसा यूज़ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये ना भी हो तो भी कोई समस्या नहीं है। तो आने वाले समय में जो हमारे पिना है, जो कान का जो आउटर कवरिंग है, ये हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ नहीं है। तो ये बदलाव होगा हम में, पहले हमारी बॉडी में बड़े बड़े बाल होते थे क्योंकि कपड़े वपड़े नहीं पहनते थे, ठंड में रहते थे, तो सर्दियों से बचने के लिए हमें बड़े एक्सटर्नल हेयर्स चाहिए थे। अब नहीं, हम कपड़े वपड़े पहनते हैं, पूरे घर वर में हम रहते हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो अब हम में हेयर्स नहीं होते हैं स्किन पे, बहुत कम होते हैं। आने वाले समय में ये भी विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो हम चेंज कर पा रहे हैं, तो जो चेंज कर पाएगा वो फिट रहेगा और सर्वाइव कर जाएगा। ये इन्होंने बताया कि एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बदलाव आता है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करता है उन बदलाव को, ठीक है, क्लियर ही बात। अच्छा, इसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम ये बताते हैं। इन्होंने जो नियम दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम पॉपुलेशन और इंडिविजुअल टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, क्लाइमेट, फूड,
फिजिकल फैक्टर, वापस से पढ़ते हैं इसको एक बार, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल सम पॉपुलेशन और इंडिविजुअल टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर। देखो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम ये कहता है कि जैसे दो ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है मान लो और ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म में से जो ज्यादा अच्छे से क्लाइमेटिक कंडीशन, बाहर के जो दबाव हैं, उनको झेल पाएगा वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। आप में से भी, आप इतने सारे स्टूडेंट अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप में से देखो मैं पढ़ा सही मिल रहा हूं, क्लास में भी टीचर एक ही पढ़ाता है लेकिन मार्क्स अलग अलग आते हैं सबके, ठीक है, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा एफर्ट होगा उसका, ठीक है, जितना ज्यादा दबाव को सह पाएगा उतना बेटर वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी यही चीज है कि ऑर्गेनिज्म दोनों हैं लेकिन कंडीशन जो है वो भी कांस्टेंट है, ऑर्गेनिज्म एक चीज, दूसरी कांस्टेंट चीज कंडीशंस, लेकिन इनमें जो झेल पाने की क्षमता है, यानी कि इनमें जो एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदल पाने की क्षमता है वो अलग है। तो इनमें से ज्यादा बेटर बदल पाने की खुद को क्षमता जिसमें होगी वो अच्छे से सर्वाइव करेगा, वो फिट रहेगा, और यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम कहता है कि जो सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगा और वही जीतेगा, ठीक है, क्लियर ही बात ये इस तरीके से। तो दोस्तों इस यहां पर मैंने आपको क्या बताया, लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ा पूरे डिटेल में, डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या है इसे समझा, इसके बाद हमने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन ने बताया इसको भी हमने समझा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, इसको कंटिन्यू करूंगा अब यहीं से, इसी चैप्टर में जो और पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं प्लीज, इससे क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्प होगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स मैंने डिसेबल इनेबल कर दिया है वापस से, आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।